factor affecting internal resistance of the cell. पहला होगा सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ध्यान, ठीक है। ठीक है, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, बता रहे, एक मिनट बता जस्ट, ठीक है, ओके। देखो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, क्यों? जब एरिया ज्यादा होगा तो जिंक या फिर कॉपर उतने ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, बात समझ रहा? ज्यादा एरिया ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जल्दी होता है, पिछले वाले टाइम बताए थे ना, तो रेजिस्टेंस कम होगा, वही बात है, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में एक ही बात होना चाहिए, ये एरिया ज्यादा होगा तो यहाँ पे जो एरिया ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पे ऐसे फोर्स से ट्रांसफर हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा अब्सॉर्ब होगा, एरिया ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है जल्दी क्या हो, एक्सचेंज होगा, बात समझ गए? हीटिंग इफेक्ट तो इसके अंदर काम करेगा, वही बात है, हीट डेवलप हुआ तो उसके बाद फिर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। हम उसके बाद पहले इस पर बात कर रहे हैं सरफेस एरिया, ठीक है। एरिया ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, घट जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ये इंक्रीज का साथ या डिक्रीज का साथ, ठीक है, ध्यान रखना। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, अब इसमें देखो ये इलेक्ट्रोड का स्पेस अगर ज्यादा हुआ बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से यहाँ तक जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, तो ज्यादा टाइम लगेगा तो रेजिस्टेंस इसका मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक चार्जेस जाएगा, इसको बहुत ज्यादा सॉल्यूशन में जो क्या कहते हैं और ये ऑब्स्टेकल उसका सामना करना पड़ेगा, बस समझ रहा है, चार्ज को नजदीक में मूव करना है या डिस्टेंस को मूव, तो बताते ना जब भी डिस्टेंस बढ़ता है इलेक्ट्रॉन के मूव होने का या लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, वही बात है ना, डिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका कि डिस्टेंस दोनों बीच दोनों रड के बीच का बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। थर्ड हो गया इसमें The nature of concentration of electrolyte. Electrolyte के nature पे depend करता है, electrolyte जैसा होगा वैसा resistance होगा इसके अंदर, ठीक है। और एक हो गया टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये बताओ टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, सर जल्दी बताओ, बढ़ेगा। ये देखो इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, ये इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ेगा ना उसका रेजिस्टेंस घट जाता है, अभी दिखाते हैं ज्यादा, तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा देन रेजिस्टेंस, देखो
जैसे इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फास्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का मूव करना यहाँ से यहाँ फास्ट हो जाता है, स्पीड बढ़ जाता है। इसमें उतना इलेक्ट्रॉन नहीं जितना हम समझते थे, इसमें कंडक्टर में होता है, ठीक है, ये वही वाला हाल है सेमी कंडक्टर वाला, है ना, या इंसुलेटर वाला, बस समझ रहा है, टेम्परेचर वगैरह रहते हैं घट जाता है उसमें, बस समझ रहा है, ठीक वही वाला हाल है। किस पे? हाँ, इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ जाएगा इस तरफ से दूसरे मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन की होता ये तो रेजिस्टेंस कम हो जाता अंदर का, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है इधर का इलेक्ट्रॉन इधर का बराबर हो जाता है ना इलेक्ट्रॉन, तो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो हो जाता है ना, इसीलिए बैटरी खत्म होता है। डार्निंग फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो एनर्जी कोई सा भी है, सीधी बात है रेट ऑफ गोइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, क्या होता है सॉरी रेट ऑफ गोइंग वर्क पावर होता है, एनर्जी को डिफाइन किया गया कैपेसिटी ऑफ गोइंग वर्क, तो काम करने का जो कैपेसिटी होता है उसको क्या बोलते हैं एनर्जी, ठीक है, अब बात को समझो, एनर्जी और वर्क सेम ही चीज है, क्या कैसे, तुम्हारे पास जितना एनर्जी होगा उतना ही काम करोगे नहीं करोगे, हाँ दो दिन से खाना नहीं दिया और बोलेंगे पढ़ाई करो, करेगा नहीं करेगा, हाँ मर जाएगा दो ही दिन में, अब है क्या और बहाना मिल जाएगा। तो वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क होता है, अच्छा वर्क को कहा जाता है डब्ल्यू इक्वल टू, हम पहले पढ़ चुके हैं डब्ल्यू इक्वल टू बोल रहे बी इंटू क्यू, याद है बी इक्वल टू डब्ल्यू क्यू था ना, तो W इक्वल टू बी इंटू क्यू, अरे ये फॉर्मूला भूल गया तुमको, B इक्वल टू W अपन क्यू है ना, तो ये W इक्वल टू B अपन क्यू, B इंटू क्यू हो गया है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे, अब ये तो पहला फॉर्मूला हो, दूसरा देखो इसमें B इक्वल टू होता IR होता है और Q इक्वल टू होता I बाय T, I T होता है, ठीक है होता है ना, तो W इक्वल क्या हो गया बहुत सारे फॉर्मूला बने देखो को, तीसरा तो देखो क्यू का फॉर्मूला था आई टी है ना और बी का फॉर्मूला था आई आर, उन दोनों से हम निकाल दिए नया फॉर्मूला, अब देखो डब्ल्यू इक्वल टू एक और फॉर्मूला हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये बताओ V इक्वल टू अगर हम बात करें यहाँ पे तो V इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है क्या, अच्छा देखो I को हम लिख सकते हैं V के टर्म में, I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है V बाय, ठीक है, तो यहाँ V बाय रखते हैं, V बाय R का होल स्क्वायर इंटू R इंटू T, पड़ जाएगा ये आर एक ही हो गया वी स्क्वायर अपन आर इनटू टी,
तो इसका यूज करेंगे हम सीरीज में, सब करेंगे हम पैरेलल में, ध्यान रखना। और ये पैरेलल में यूज कर रहे ज्यादातर। हो गया मेरा यहां तक? ओके, सो नेक्स्ट देखो, उसके बाद आने वाला फॉर्मूला डब्ल्यू इक्वल टू, ये था इसको आटे खाने था आ यार को हम बी लिख दे, तो डब्ल्यू इक्वल हो गया दिस इज बी आई इंटू टी। एक और फॉर्मूला हो गया डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी, ठीक है, आई आर इक्वल टू वी होता है आई, यहाँ पे वर्क का सारा फॉर्मूला वर्क का ही है, ठीक है, जब करंट दिया हो, वोल्टेज दिया हो, टाइम दिया हो, सीधे निकल जाएगा ये, ठीक है। तो तुम्हारे पास कितना फॉर्मूला हो गया, ये चौथा है, फोर्थ याद रहेगा चारो। अब करते हैं इलेक्ट्रिक पावर, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वर्क अपन टाइम। अब इसका भी चार फॉर्मूला होगा, W का हर जगह जो वैल्यू रख देंगे तुम्हारा देखना P क्या वैल्यू आ जाएगा। P इक्वल क्या हुआ, देखो पहला हुआ W क्या था, आई स्क्वायर आर टी बाई टी, किस टी कट गया, ये दूसरा, ये पहला था, ये दूसरा हो गया, तीसरा होगा पी इक्वल टू डब्ल्यू की जगह क्या रखे तो डी स्क्वायर बाय आर इंटू टी बाई टी, ये देखो वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, ये डब्ल्यू था और ये टी इस फॉर्मूला से है, डब्ल्यू का वैल्यू रखे वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी और ये टी ये फॉर्मूला से है, तो पी के वाले बीस का आ रही कहा गया तुम्हारा, ये चौथा हो गया, यहाँ लग गया तीसरा हो गया, अरे एक दो तीन, अच्छा तीन ही था, नेक्स्ट बोलो B I T by T है, चार जूल्स लॉ, व्हाट इट सेज, ये दिया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी डिवाइस को हीट करने के लिए एक लॉ दिया था, ये क्या बोला था लॉ के बारे में, हीट प्रोड्यूस, देखो हीट क्या हुआ यही बात है ना, हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, दूसरा बात बोला था हीट प्रोड्यूस इन अ डिवाइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर and heat produced in a wire directly proportional to time, ये तीनों को मिला के बनता है from
वन टू एंड थ्री, और ये फॉर्मूला हम पहले अभी निकाल चुके हैं, ड्राइव कर चुके हैं। W का हाई स्कोर आर टी, देखो है ना, कर चुके हैं ये ड्राइव। ओके तो ये हो गया तुम्हारा बूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं, अच्छा हीट का यूनिट क्या होता है, क्या वर्क का थीटा नहीं। अब एक और एक दो बात है जो तुमको जानना है, क्या कि कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, पावर का, ठीक है। तो एक हॉर्स पावर में होता है वाट, ठीक है, एक हॉर्स पावर होता है 7.6 वाट, जानना, ठीक है। पावर का ऐसे यूनिट होता है वाट, ठीक है वाट। उसके बाद वन किलो वाट आवर जो है ये किसका यूनिट है, कि एनर्जी का यूनिट, ठीक है, ये एनर्जी का, ध्यान रखना। इतना वन किलो वाट आवर इक्वल टू होता है वन इंटू किलो को बना दो 1000 मल्टीप्लाई करके, वाट किलो वाट है, फिर 1000 वाट होगा, आवर को 3600, सिक्स जूल प्लस वगैरह। तो 1 किलोवाट आवर में कितना जूल एनर्जी होता है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आएगा मेरे पास, ओके, 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 10 पावर 3 वाट, प्लस में 1 मेगावाट इक्वल टू होता है 10 पावर 6 वाट, ठीक है, मेगावाट है ना, ये मेगावाट होगा, ठीक है। और 1 गीगावाट इक्वल टू होता है 10 पावर 9 वाट। ये तो एक्चुअली होता क्या, पावर हाउस में जनरेट होता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं, बड़े बड़े पावर हाउस में इसको जनरेट किया जाता है, किलो वाट नहीं, मेगा वाट, जीगा वाट है ना, बहुत बड़ा होता है, 10 पावर 9 वाट, समझ रहे, जी भी ना, समझे, जी भी। क्या बोला, देखो किसी बल्ब पे लिखा हुआ है रेटिंग 100 वाट है ना, तो बल्ब इज रेटेड विद 100 वाट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये बल्ब 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी खाएगा, क्या बोलेगा, द मीनिंग इसका क्या होता है एक्चुअली में, इट विल कंज्यूम 100 जूल इन 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी,
लिखे जाएगा, यहाँ पूछा गया हीट इन कैलोरी प्रोड्यूस इन रजिस्टर, तो याद रखना 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल एप्रोक्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि वोल्टेज सोर्स 2 है सेंड कर करंट 2.5 एम्पीयर रजिस्टर में और ये 20 ओम का है, कनेक्ट हो रहा 5 मिनट के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सोर्स, तो पहला का जो आंसर होगा भी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, इक्वल टू आई बाई आई आर। ठीक है, तो आई कितना, आई होगा 2.5 एम्पीयर, आर कितना है 20 ओम, कितना होगा 5 50 वगैरह वोल्ट है ना। ठीक है, तो ये हो गया 50 वोल्ट। ठीक है, अच्छा दूसरा आंसर है इसमें, दूसरा का आंसर हीट और दूसरा एनर्जी सप्लाई टू सोर्स, एनर्जी क्या होगा या वर्क वी आई आर, अरे वी आई टी सॉरी बी आई टी भी लगा दो, बी पता है हमको, आई पता है हमको, टी पता है हमको, हैगा किसी से लगा दो, बी कितना है 50, आई कितना है 2.5, टाइम कितना है, देखो 5 मिनट है, मिनट को बनाना संगेन हो जाना था, तो 5 मिनट हो गया 300 सेकंड, जब भी लेंगे ना टाइम को हमेशा सेकंड में लेंगे ध्यान रखना, और आवर लेंगे तब जब पावर किलो वाट में है ना, तो ये 300 हो गया। तो कितना हो गया तुम्हारा 25 गुना 3 गुना ये 5 200 3750 तो इसको हम लिख सकते हैं 3.75 10 पावर कितना 1 2 3 4 4 जूल। ठीक है, ये आ गया मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा हीट इन कैलोरी प्रोड्यूस इन रजिस्टर, अच्छा हीट कितना प्रोड्यूस हुआ, ये तो हीट एनर्जी है ना, तो कैलोरी हम निकालने के लिए क्या कर डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अरे कैलोरी पूछा गया, तो एक कैलोरी में इतना जूल, एक जूल में कितना कैलोरी, एक जूल में आएगा तुम्हारा एक जूल में 1/4.2 कैलोरी है ना, तो ये तो जूल में ही है ना, तो इसको डिवाइड कर दो तो आएगा तुम्हारा हीट पर कैलोरी 375 कितना 4.2 कितना, डिवाइड कर पता चलिए कितना आ रहा है, अप्रोक्स 9 × 10 अप्रोक्स 3 कैलोरी। देख लो भाग देखे।